हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 11 जून। 11 जून से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ पे कभी कभी इसका वेटेज 10 से 12 भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। GK GS के सेक्शन को बढ़ा दिया जाता है। तो आप डेली बेस पे पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रांस, जर्मनी, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन इस बार भारत में इस बार आयोजन किया जाएगा, लगभग वो भी आपके 27 साल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 27 साल बाद ये आपके भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो खास करके यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर स्थल को देखते हुए, यहाँ के जो रीति रिवाज है इनको देखते हुए इस बार भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे खास करके आपके 71वां क्रम का ये आपका मिस वर्ल्ड आयोजन किया जाएगा। याद रखिए कौन से क्रम, 71वां क्रम। कब से स्टार्ट किया जाएगा? तो ये आपके दिसंबर लास्ट महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पे लगभग 130 जो कंट्री देश हैं, जो देश 130 देश के यहाँ पे हिस्सा लेंगे इस मिस वर्ल्ड में। तो मिस वर्ल्ड क्या होता है? तो मिस वर्ल्ड जो है आपका सौंदर्य प्रतियोगिता है, ये खास करके महिलाओं के लिए इसका इसमें पार्टिसिपेट, इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवालदार अल्बी डिक्रू का निधन हुआ है? केरल, पंजाब, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केरल के, याद रखिए केरल राज्य के जो पहले अशोक चक्र से सम्मानित, अशोक चक्र कौन से क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है? तो आपके ये आपके खास करके वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो खास करके यहाँ पे जो जो फोर्स विभाग में रहते हैं तो इन लोग को दिया जाता है। तो अशोक चक्र से विजेता जो हवालदार पे पोस्टिंग थे आपके अल्बी डिक्रू, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया था, तो 1962 में 1962 में इनको जो उस समय राष्ट्रपति थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय इनको अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया, जो आपके हवालदार पे पोस्ट पे थे, तो इसको हाल ही में इनका निधन हो गया था। तो इसको याद रखिएगा। केरल की बात करूँ, ये यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। पिनराई विजयन यहाँ के CM हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन हार्वर्ड के वित्त विभाग के उपाध्यक्ष और CFO में नामित हुई है? लक्ष्मी सिंह, निर्मला आपके सीतारमण जी या ऋतु कालरा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतु कालरा, जो हमारे भारतीय मूल के। तो हाल ही में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुने होंगे, ये आपके अमेरिका सिटी के आपके जो कैम्ब्रिज शहर में आपके इसकी स्थापना किया गया है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय इसको कहा जाता है, सबसे शिक्षा विश्वविद्यालय इसको, सबसे पुराना शिक्षा का ये आपका विश्वविद्यालय, जो कि आपके जो ऋतु कालरा को वित्त विभाग के उपाध्यक्ष CFO में इनको नामित किया गया। तो नाम को सुने होंगे आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करके, तो ये आपका विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? चीन, जापान, UAE या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, UAE, जिसको हम अरब अमीरात कहा जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है आपका अबू धाबी, यहाँ की राजधानी है। और हाल ही में जो भारत, फ्रांस और UAE तीनों देश के बीच जो आपका जो इंडियन नेवी है, जो आपके इंडियन नेवी के द्वारा इस जो पहली संयुक्त समुद्री अभ्यास है खास करके, तो दुश्मनों को लड़ने के लिए इस तरह का पार्टिसिपेट अभ्यास, मतलब दुश्मनों कैसे लड़ना है ऐसे टाइप का खास करके अभ्यास, इसका आयोजन तीनों देश के बीच यहाँ स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा फ्रांस, ब्रिटेन, जापान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जिसको हम AI करते हैं, कहते हैं AI, तो आपके खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के क्षेत्र में, मतलब बढ़ावा देने के लिए, जो साइबर अपराध वगैरह इसको रोकने के लिए, इस पर काम करने के लिए, इस सुरक्षा पर वैश्विक सम्मेलन की जो मेज़बानी इस बार ब्रिटेन को दी गई है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुख्य प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक है, इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो इसको याद रखिए, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक जी, जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वेलिंगटन, लखनऊ, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो हाल ही में दोनों देश के बीच और हमारा भारत और न्यूजीलैंड इन दोनों दोनों देश के जो बीच ये पहली गोलमेज संयुक्त बैठक है। याद रखिए ये गोलमेज संयुक्त बैठक क्या है, तो खास करके जो बिजनेस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे न्यूजीलैंड और भारत के बीच यह जो बैठक संयुक्त बैठक किया गया, मतलब बिजनेस सेक्टर को आगे कैसे बढ़ाना है करके और यहाँ पे कैसे अर्थव्यवस्था को हम चलाना है ऐसे करके नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था इस बैठक का। तो इसको याद रखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ के जो राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना यहाँ पे शुरू की है, तो यह क्या होता है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना? तो खास करके यहाँ के महिलाओं के लिए, इसको महिला के लिए खास करके स्टार्ट किया गया है और साथ ही साथ इसको इनको कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक फॉर्म भरना पड़ेगा इस पर, ये वापस कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर इनको शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना एक कार्ड दिया जाएगा। इसके हिसाब से जो महिलाओं जो इनको यहाँ पे राज्य कर्नाटक राज्य सरकार यहाँ पे इनको बस में फ्री, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इनको बस में यहाँ पे ट्रेवलिंग के लिए यहाँ पे व्यवस्था कर रही है यहाँ पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इन लोग से चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा, खास करके महिलाओं के लिए इसको स्टार्ट किया चलाया जा रहा है यहाँ पे। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैं कर्नाटक राज्य सरकार की बात करूँ तो आपको पता होगा तो यहाँ कर्नाटक में चुनाव हुआ है, तो सभी चीज़ यहाँ पर चेंज हो गया है। कर्नाटक की राजधानी सभी को पता है, यहाँ की राजधानी है आपका बेंगलोर, जो आपका सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ की राजधानी है बेंगलोर, सबसे बड़ी सिटी है। यहाँ के सीएम कौन है? नए सीएम चेंज हो गए हैं, नए मुख्यमंत्री हैं यहाँ के आपके सिद्धा रमैया जो आपके कांग्रेस पार्टी के हैं, तो सिद्धा रमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर आपके थावरचंद गहलोत यहाँ के आपके गवर्नर है, इसको याद रखिएगा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे चुनाव नया हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? अजय सिन्हा, संजय स्वरूप, मुकुल गोयल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय स्वरूप। आपका कॉनकोर क्या होता है? तो कॉनकोर आपका इसका फुल फॉर्म होता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, तो भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड इसको कहा जाता है। तो ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो भारत सरकार के द्वारा इसको गठन किया गया है। आपके कब किया गया था गठन? तो इसका जो गठन है आपका 1988 में इसकी गठन किया, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिए, जिसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय स्वरूप को इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फारूक मेहता जिनका हाल ही में निधन हुए, कौन से मतलब क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, अभिनेता, लेखक, गायक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपके जाने माने अभिनेता थे और आपके निर्देशक थे जिसको डायरेक्टर बोला जाता है। तो अब फारूक मेहता जिनके हाल ही में इनका डेथ हो गया, या आपके हार्ट अटैक से हुए, मतलब सोते सोते इनका डेथ हुआ है, तो हार्ट अटैक मतलब बोला जा रहा है हार्ट अटैक से इनका डेथ हुआ है। तो इसको याद रखिए, मांग इनके जो एज है लगभग 91-91 साल के हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग्स में 2023 में अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईसी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास या आपके इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास, जिसको हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के नाम से इसको जानते हैं। कहाँ पे स्थित है? तो आपके तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। और आपके समग्र श्रेणी में कहने का मतलब है आपके शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में और साथ ही साथ यहाँ पे स्पोर्ट वगैरह सभी क्षेत्र में, जितना भी आपके सेक्टर है तो लगभग सभी क्षेत्र में ये आपके इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार इस संस्था को आईआईटी मद्रास को ये आपके पहला स्थान को दिया गया। इसकी स्थापना कब किया गया था? आईआईटी मद्रास के 1959 में इसकी स्थापना किया गया है। पवन कुमार गोयनका भी अध्यक्ष हैं और इसके निर्देशक प्रोफेसर वी कामुकुटी इसके निर्देशक हैं। तो इसको याद रखिए, इसका कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में इसका आईआईटी मद्रास यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं और यहाँ की ईटानगर यहाँ की राजधानी है।
तो कहने का मतलब ये आपके जिला सुशासन सूचकांक क्या है, तो जिला सुशासन जो सूचकांक है ये आपके जारी किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। तो यहाँ के जितने भी जिला वगैरह है, तो यहाँ पे खास करके यहाँ पे लोगों को हेल्प के लिए आपके जो यहाँ पे विभाग बनाया गया, यहाँ पे लोगों को मतलब उनके मतलब कोई जैसे गवर्नमेंट के जो योजना वगैरह है तो उनको कोई भी दिक्कत होती, तो यहाँ पे इस जो जिला सुशासन जो सूचकांक जारी करने का यही मतलब है। तो यहाँ पे लोगों को मतलब उनको समस्या को देखते हुए यहाँ पे विभाग बनाया गया, मतलब कोई भी कष्ट होते तो वहाँ पे एक कंप्लेन करेंगे और फिर उसके हिसाब से इनका निराकरण करेंगे। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश ने ये जिला सुशासन सूचकांक यहाँ पे जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मान्यता दिवस यह जो दिवस है कब मनाया गया, 7 जून, 9 जून, 8 जून या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जून को यहाँ विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। विश्व मान्यता दिवस इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो ये आपके खास करके उन लोगों की स्मृति या याद में इसको मनाया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पे जो मानवतावादी संकट में अपनी जान वगैरह गंवाई है, या इसी उद्देश्य से इसको मनाया जाता है, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए उनके सहायता अपने प्राण को आहुति दी, इसी माध्यम से खास करके इस लोग या लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। पहली बार इसको कौन से सन में बनाया गया था, तो पहली बार इसको 2008 में मनाया गया था, इस पर प्रस्ताव किया गया था। तो विश्व मानवता दिवस जो पहली बार 2008 को मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको हम UN के नाम से कहा जाता है, तो इसके द्वारा इसको मनाने जाने के उद्देश्य से इसको पारित किया गया था 2008 में, सबसे पहले इसको मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के प्रशासक हैं मनोज सिन्हा, तो हाल ही में यहाँ पे जो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का इन्होंने उद्घाटन मनोज सिन्हा से जो द्वारा किया गया इस मंदिर का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अभ्यास एकता के 6वें संस्करण की मेजबानी की, एक तरह का अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, तो इस संस्करण की मेजबानी की है, फ्रांस, मालदीव, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन है, इसका जो संस्करण की जो मेजबानी है कि आपके सैन्य अभ्यास है, सेनाओं का अभ्यास है, तो मालदीव के द्वारा किया गया है। मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव आपका सबसे बड़ा नगर है, तो यहाँ की राजधानी है माले, और इस्लामिक आपका कंट्री है, और यहाँ के सरकार की बात करूँ तो यहाँ के राष्ट्रपति सोली है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति यहाँ के अब्दुल्ला जिहाद यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी CAC रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सी से स्थान पर है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। इस CAC रिपोर्ट क्या होता है, CAC रिपोर्ट आपका स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 का जो रिपोर्ट है, ये आपका फुल फॉर्म होता है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट का फुल फॉर्म होता है। ये आपका एक डाटा है, ये आपका जो पर्यावरण के मामले में मतलब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, ये आपके सबसे बेस्ट कौन से राज्य के कहने का मतलब है। तो इस बार 2023 का जो डाटा निकाला गया है, ये आपके विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा, ये आपके गैर लाभकारी संगठन के द्वारा ये आपके निकाली जाती है। इस आंकड़ों के अनुसार आपका जो तेलंगाना राज्य, यहाँ के जो इन्वायरमेंट या यहाँ पे जो वृक्षारोपण, मौसम और स्वास्थ्य को देखते हुए, भोजन, जितने भी हर सेक्टर, कृषि, ऊर्जा, प्रदूषण, मतलब हर विविधता, पर्यावरण के जितने भी ग्राफ इसमें शामिल किया गया, तो हर सेक्टर में जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट या पर्यावरण है तेलंगाना का, सबसे बेस्ट इसको मानी गई है। तो इसको याद रखी थी, जो डाटा है ये आपके विज्ञान पर्यावरण विभाग के द्वारा या आपके संगठन के द्वारा इसको निकाला जाता है। तो मतलब कौन से राज्य का पर्यावरण सबसे बेस्ट है इन्वायरमेंट रहने के लिए, इसको यहाँ पर तेलंगाना राज्य इस श्रेणी में आया है। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।